अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ला एडमिशन टेस्ट का ये 9 फरवरी 2020 का पास्ट पेपर है। सो इसके राइट आंसर्स इसके साथ ही हैं, तो आप लोग इनको देखें और पास्ट पेपर से लाजमी एक दफ़ा रीड आउट क्या करें। एक तो आपको उसका पैटर्न समझ आ जाता है, क्वेश्चंस की टाइपिंग समझ आ जाती है, क्वेश्चंस का जो बेसिक नॉलेज है वो समझ में आ जाता है। तो पास्ट पेपर्स को लाजमी देखा करें, और बहुत सारे जो पेपर्स हैं उनमें से पास्ट पेपर में से कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपके एक फ्री मार्क्स होते हैं। सो सबसे पहले जनरल नॉलेज का पोर्शन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशरफ रिजाइन्स फ्रॉम ऑफिस ऑन 18 अगस्त 2008 को परवेज मुशरफ ने रिज़ाइन किया था। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पावर इज आर्टिकल 184(3). सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो पावर जिस आर्टिकल ने दी थी वो आर्टिकल 183 है। जब आप LLB कर लेंगे तो आपको सब आर्टिकल्स का भी ऐसा ऐसा पता चलेगा। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फाटा वॉज मर्ज्ड विद KPK, कौन सी अमेंडमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके तहत फाटा को KPK के साथ मर्ज किया गया, दैट इज़ 25th अमेंडमेंट। जो पाकिस्तान का आइन है जो अभी चल रहा है उसमें 25th अमेंडमेंट थी। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान इज़ रोहरी। द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस इज मुनीर अकरम। विच यूरोपियन कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो कौन सी यूरोपियन कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड। विच सिटी ऑफ नेम ऑफ पाकिस्तान मीन्स द फॉरेस्ट इन द स्काई, पाकिस्तान की कौन सा ऐसा शहर है जिसका मतलब है द फॉरेस्ट इन द स्काई, आसमान में जंगल, दैट इज शोग्रा। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की इज़ तैयब अर्दगान। टर्की के जो प्रेजेंट करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं तैयब अर्दगान। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग्स टू विच कंट्री, पोर्टुगल। पहले जो थे हमारे सलमे खलीलजाद थे, देन उन्होंने चेंज कर दिया यूनाइटेड नेशंस के, वो दैट वाज एंड दैट इज़ एंटोनियो गुटेरेस। द फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल हेल्ड इन कतर, कतर में होगा जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा। द 2019 विम्बल्डन चैम्पियनशिप सिंगल्स मैन वाज वन बाय नोवाक डिजोविक। 2019 की विम्बल्डन चैम्पियनशिप जो सिंगल्स मैन में है वो नोवाक ने विन की थी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा इज़ लोकेटेड इन Washington DC। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो Washington DC में है। अ पर्सनल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन इन विच बैंक, स्टेट बैंक में पर्सनल अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। द टोटल लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इज़, लाइन ऑफ कंट्रोल की टोटल लेंथ 740 किलोमीटर है जो कि MCQs में नहीं है। Name the sea which is situated between Europe and Asia, that is Black Sea. Europe और Asia के दरमियान जो sea है वो that is Black Sea. Name the Muslim country who opposed against Pakistan, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है मुस्लिम कंट्री, दैट इज़ अफ़गानिस्तान। लेकिन अब तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत आ गई है तालिबान की, तो वो आई थिंक पाकिस्तान के साथ ही है। येलो सी इज़ सिचुएटेड इन, येलो सी जो है वो इन सब में से कोई भी उसका राइट ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन के साथ उसके नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इज़ बिटवीन चाइना एंड कोरिया, एंड द आंसर वाज नन ऑफ दिस बिकॉज इट वाज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान इज़ हाइडल पावर। सेनेटर इन पाकिस्तान हैज़ अबाउट पीरियड ऑफ 6 ईयर, पाकिस्तान का जो सेनेटर है वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है। बियर इज़ अ सिंबल ऑफ रशिया, रशिया में रशिया का सिंबल है बियर। पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन है, द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हु एडमिनिस्ट्रेटेड ऑथ ऑफ कायद आज़म ही वॉज चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद थे जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना का ऑथ लिया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड ऑन 23rd March 1956। फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वॉज इम्पोज्ड बाई अयूब खान। इस्लामाबाद वॉज चूजन बाई कमीशन फॉर कैपिटल इन 1960। द मेन एक्सपोर्ट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर कॉटन एंड राइस, ज़्यादातर पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स होती हैं
दैट वॉज कॉटन एंड राइस। क्रॉप्स हैव बीन कैटेगराइज बेस्ड ऑन विच ऑन द प्लांटेशन रिलेटेड विद टाइम। सो व्हाट इज अ वीट इज अ रबी क्रॉप। गंदुम जो है वो फसल रबी है। ड्यू टू इट्स इम्पॉर्टेंस इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कॉटन हैज़ बीन निक नेम्ड। पाकिस्तान की इकॉनमी में जो कॉटन है उसका बहुत अहम रोल है, तो इसलिए इसका निक नेम जो है वो सिल्वर फाइबर रखा हुआ है। तरबेला डैम इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू गूगल तरबेला इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम। अ ग्रुप काल निज़ाम सलात वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ ज़िया। देयर जॉब वॉज टू अर्ज पीपल टू प्रे। ज़िया भुट्टो के दौर में जब लोगों को एक बकाया तौर पे नाज़मीन सलात एक ग्रुप बना था, तो उसका मुकाम ये था कि लोगों को नमाज की तरफ रागब करना। द US एम्बेसडर हु डाइड इन प्लेन क्रैश विद ज़िया वॉज एर्नल्ड लेविस रेफल। जो ज़िया भुट्टो के साथ जो US एम्बेसडर की डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में, वो है एर्नल्ड लेविस रेफल, क्योंकि तो इस्लामिक स्टडीज़ की MCQs हैं। हु वॉज़ द फर्स्ट सहाबी हु कॉल्ड अजान फॉर द फर्स्ट टाइम। हज़रत बिलाल ने फर्स्ट टाइम अजान दी थी काबा की छत पर। हाउ मैनी वर्सेज इफ सूरह अल अलक वर फर्स्ट रिवील्ड ऑन द होली प्रॉफिट। कितनी आयात थी सूरत अलक की, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, इसकी कितनी आयात थी जो फर्स्ट टाइम में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी। दैट वाज 5 आयात, 5 वर्सेस। हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम। फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम वाज हज़रत समिया। हु मेट द होली प्रॉफिट इन द फर्स्ट स्पिरिचुअल स्काई ड्यूरिंग मिराज। मिराज के दौरान पहली जो पहला जो आसमान था उस पर कौन मिला था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये सारे MCQs जो हैं अगर आप इस्लामियात की प्लेलिस्ट ओपन करें तो उसमें सारे MCQs अवेलेबल हैं। हाउ मैनी आयते सजदा इन द होली कुरान? दैट आर 14। विच सूरा इज़ कॉल्ड उम्मुल किताब? दैट इज़ अल फातिहा। सो फातिहा जो है वो पहली है और उसे कुरान की माँ भी कहा जाता है। द फर्स्ट मस्जिद ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ मस्जिद कुबा। हु एडिड द वर्ड्स अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इन अज़ान। हज़रत उमर ने ये अल्फाज अज़ान में ऐड करवाए थे सुबह फजर की अज़ान में कि नमाज नींद से बेहतर है। नेम द सहाबी हु वॉज़ द फर्स्ट वन टू मॉर्टियर इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। दैट इज़ हज़रत हारिस बिन अबी हाला। नेम द फर्स्ट वूमेन आफ्टर हज़रत खदीजा एम्ब्रेस्ड इस्लाम। हज़रत खदीजा के बाद वो कौन सी खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था? दैट इज़ हज़रत लबलबा बिन हारिस। इंग्लिश का ये पोर्शन है। चूज़ द लेटर दीज आर द सिमिलर मीनिंग आई मीन टू से सानोनियम वर्ड्स एम्पिटी वैकेंट। एम्पिटी का जो सानोनियम है दैट इज़ वैकेंट। कॉम्प्लेक्स का सैनोनिम है कॉम्प्लिकेटेड। लाउड का सैनोनिम है प्रेज। डिलीजेंट का सैनोनिम है इंडस्ट्रियस। कोलैप्स का सैनोनिम है स्लम। डिटर्मिनेशन का सैनोनिम है फर्मनेस। लैक का सैनोनिम है डिफिशेंसी। और ये आगे हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ही गॉट ओवर हिज इलनेस इन 2 वीक्स, यानी कि उसने अपनी बीमारी पे काबू पा लिया। ओवर कंट्रोल करना। ही इज़ indebted to his friend a large sum of money। indebted to आता है, अगर आपने 9, 10 फर्स्ट और सेकेंड ईयर में प्रपोजिशंस पढ़ी हो तो आपको लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा ये सब कुछ। अली लिव्स इन अ स्मॉल टाउन वेयर आई मेट हिम एट हिज हाउस। अगर आपने इंग्लिश की प्ले लिस्ट ओपन करके जो इन एट के जो प्लेस की अकॉर्डिंग के साथ जो आपकी प्रपोजिशंस मैंने आपको बताई हुई हैं अगर आप वो देखें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से इन और एट का कम्बिनेशन किस तरह से इस सेंटेंस में फिट हो रहा है। ही फेल फ्रॉम द लेडर एंड ब्रॉक हिज आर्म। फेल फ्रॉम द लेडर। दे आर्ग्यू एवरीथिंग टू द बिटर एंड। ये भी प्रपोजिशन रूल के अकॉर्डिंग जो है ना वो यहाँ पे फिट हो रहा है। द नियरेस्ट रेस्टोरेंट इज़ अबाउट एन आवर
ड्राइव फ्रॉम हेयर, ये भी प्रपोजिशंस रूल्स के मुताबिक है। तो आप लोग जो इंग्लिश की प्रपोजिशंस की प्लेलिस्ट है वो लास्ट में देखें। चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज विच इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। विम्सिकल सोबर, इसका ये एंटोनियम है। या तो वो सीधे से कहेंगे कि इसका एंटोनियम लिखें या अपोजिट वर्ड लिखें, या फिर इस तरह से वो एक क्वेश्चन दे देंगे। विम्सिकल सोबर, एडवर्स एडवर्स फेवरेबल, एडवर्स यानी कि कोई आपके मुखालिफ, और फेवरेबल यानी कि कोई आपकी फेवर में है। क्रेडिबल इम्प्रोबेबल, फ्लॉन्ट हाइड, एक्यूट नेग्लिजिबल, अप्रेज अंडर वैल्यू, अप्रेज आपकी वो करना, आपकी तारीफ करना, अंडर वैल्यू यानी आपको वैल्यू तक ना देना। अप्राइज मिस्टिफाई, ये इसका एंटोनिम है। ये मैथ्स का पोर्शन है। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। एक्चुअली आपने सबसे पहले तो 420 एप्पल्स हैं उनका आपने देखना है कि 40%, ये 60% एप्पल्स हैं तो इसके 40% रिमेनिंग है वो कितने होंगे। तो आपने इसमें से इस तरह से करना है कि 20% एप्पल्स ले लेने हैं और उसको 2 times कर देना है मल्टीप्लाई, और देन आपने इसको थोड़ा सा, ये बोथ द मास रूल्स कह लें या द मास रूल्स कह लें, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये वाला जो रूल है इन सब क्वेश्चन पर अप्लाई होगा और ये आपको ईजिली जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। 700 एप्पल्स थे एक्चुअली उनके पास। इन अ फार्म हैविंग हैंड्स एंड गॉड्स, नोमी कैन सी 84 हेड्स एंड 282 लेग्स, हाउ मेनी हैंड्स आर देयर। अच्छा, उन्होंने अब इस तरह से देखें कि एक मुर्गी जो होती है उसको, उसकी 2 टांगे होती हैं, और एक जो बकरी होती है उसकी 4 टांगे होती हैं। तो जो मुर्गी है उसकी टांगे 2 हैं, तो उसको टोटल जो सर हैं वो 84 नज़र आ रहे हैं और टांगे जो 282 नज़र आ रही हैं। तो अभी डिफरेंट टाइप की वो होंगी। 27 हैंड्स की आप देख लें, 27 हैंड्स के 27 सारे होंगे और उसकी जो टांगे हैं वो डबल होंगी यानी 54, और बाकी की जो है ना वो हिसाब लगाएं कि बाकी जो बचती हैं मुर्गियां, बकरियां बचती हैं उनकी टांगे और सर सेम है। अगर सही सेम है तो फिर आपके जो आंसर होगा वो राइट होगा। अ नंबर ऑफ गिवन इन ऑप्शन इन मल्टीप्लाइड बाय इट्स 1/3 टू गेट 192, फाइंड द नंबर। अगर कौन सा नंबर है जिसको, ये 4 ऑप्शंस होंगे, चारों मार्क्स को 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। 24 था इसका। 3/4 पार्ट ऑफ अ टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर, व्हेन 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट इट बिकम एम्प्टी, द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज़। अच्छा, 3/4 पानी का टैंक है वो भरा हुआ है, अगर उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो टैंक खाली हो जाता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है। अब आप खुद देखें कि एक हिस्सा खाली है और 3 हिस्से भरे हुए हैं, 3 हिस्से में 30 लीटर आ रहा है, तो एक हिस्सा जो खाली है उसमें 10 लीटर आएगा, टोटल कैपेसिटी इसकी 40 लीटर हो जाएगी। व्हेन अ वॉल क्लॉक शोन 6 o'clock द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड और एंड इज़। अगर पूरा 6 बजे हों क्लॉक पे, तो जो मिनट वाली सुई है और जो घंटों वाली सुई है उन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी और उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 180 का होगा। मंदरजा ज़ेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें, उर्दू का है ये, मुतरादिफ यानी मीनिंग लिखें, सिमिलर मीनिंग्स। हाजत इसका है ज़रूरत, दस्तूर आइन, दस्तूर का जो सानोनिम है दैट इज़ आइन। जहमत, जहमत का जो सानोनिम है दैट इज़ तकलीफ। ज़िल्लत, ज़िल्लत का सनोनिम है रसवाई। हिकमत, हिकमत का सनोनिम है दानाई। अल्फाज के मुतजाद लिखें, ये पहले होता था कि अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतजाद आते थे, लेकिन अब विद द टाइम बिंग वो आप लोगों को अल्फाज मीनिंग, वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस, राइट आंसर्स, उसके अलावा करेक्ट आंसर्स, उसके अलावा आपको मुहावरे और इस तरह की चीज़ें भी देते हैं लैट के टेस्ट में। जिद्दत पसंद, कदामत पसंद, इसकी उसका है मुतजाद है यानी उल्ट है। इत्तफाक, इत्तफाक यानी उसे इत्तफाक करना किसी बात पे, और नफाक यानी नफी करना। खलवत, खलवत यानी अकेले, और जलवत यानी कि जो है ना लोग, जलवा। सादिक, सादिक सच्चा, मुनाफिक झूठा। आबाद जो है वो आबादी, और बर्बाद बर्बादी, ये दोनों क्या है, एंटोनिम है, उल्ट है।
ओके, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इज़ इट वर्थ टू हैव लिटिल मनी और टू मच, यानी कि अगर आपके पास ये इसका ये थीम ये बनता है कि अगर आपके पास कम मनी हो तब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं, अगर ज़्यादा मनी हो तब भी आप टेंशन में होते हैं, वाई? स्कूल पीपल्स शुड बी थॉट हाउ टू बी अ गुड पेरेंट्स इन फ्यूचर, स्कूल में ये लाजमी आपको सिखाना चाहिए कि आपने अच्छे पेरेंट्स किस तरह से बनना है फ्यूचर में. और सम पीपल से दैट वी लर्न मोर आउटसाइड द क्लासरूम देन इनसाइड, कुछ लोगों का कहना है कि वो क्लासरूम से बाहर ज़्यादा सीखते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ से एज़ कम्पेयर टू इन क्लासरूम. तो ये ऐसे ऐसे के टॉपिक्स हैं, और इस तरह के टॉपिक्स आते होते हैं अक्सर, रेलिवेंट नहीं होते बिल्कुल भी आपके इलाके फील्ड से, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो कुछ कुछ रेलिवेंट भी होते हैं. हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेक पाकिस्तान क्लीन क्लीन एंड ग्रीन, तो आप पाकिस्तान को किस तरह से क्लीन एंड ग्रीन बना सकते हैं, इस पर आप अपनी राय देंगे, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए आपको, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और आपने किस तरह से इसको क्लीन एंड ग्रीन बनाना है, सारी चीज़ें आपने खुद जो है ना वो अपने सजेशंस देने हैं और प्रेजेंट सिचुएशन पे बात करनी है. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में कीजिएगा.